सब्सक्राइब कीजिए दिनेश कुमार चैनल को और बेल आइकन को दबाइए, घर बैठे पैसे कमाने की जानकारी सबसे पहले पाइए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश कुमार। दोस्तों एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर, जहां पर आप ऑनलाइन अर्निंग के बारे में सीख सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो के दौरान हम आपको 5 ऐसे कॉइन के बारे में बताएंगे जो 2018 में आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। दोस्तों हमारी स्टडी के मुताबिक ये कॉइन आपको 5 गुना से लेके 50 गुना तक यानी कि 5x टू 50x रिटर्न दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों हमने अपने स्तर से इन कॉइन के ऊपर स्टडी की है, लेकिन आपको सजेस्ट करेंगे कि आप अपने स्तर से इन कॉइन के ऊपर स्टडी कंप्लीट करिए। और अगर आप अपनी स्टडी के बाद इन कॉइन से सेटिस्फाई होते हैं और आपको रियल में लगता है कि ये कॉइन आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, तब ही आप इन कॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट करिए। और उतना ही इन्वेस्टमेंट करिए जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं या जितना आप लॉस कर सकते हैं, और उस इन्वेस्टमेंट को भी आप डिवाइडेड करके लगाइए। यानी कि अगर आपकी प्लानिंग 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने की है तो उसको आप डिवाइडेड करके लगाइए 5 कॉइन या फिर 10 कॉइन के अंदर, जिससे आपका रिस्क फैक्टर थोड़ा कम हो जाए और आपको अच्छा रिटर्न यहाँ से मिल सके। पहले कॉइन की बात करें दोस्तों, तो पहले कॉइन में नाम आता है पीपीटी का, यानी कि पॉपुलस कॉइन का। अगर आप इसके प्राइस की बात करें दोस्तों, तो इसका प्राइस चल रहा है $20 के आसपास। हालांकि दोस्तों प्राइस कुछ ज्यादा दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आप इसकी सप्लाई के ऊपर नजर डालें तो सप्लाई बहुत कम है। और साथ साथ में अगर आप इसकी रैंक की बात करें दोस्तों, तो रैंक में आता है 31 पर, यानी कि दोस्तों टॉप 50 के अंदर ये कॉइन आता है। और अगर आप इसके चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि इसका चार्ट जो है काफ़ी ज़्यादा डाउन आ चुका है, और इसका हाई अगर आप देखें तो हाई जो है दोस्तों $70 से भी ऊपर जा चुका है। तो दोस्तों अभी $20 के आसपास चल रहा है, तो $70 का इसका हाई ऑलरेडी लग चुका था। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं दोस्तों कि 5 गुना से 10 गुना जो है ये रिटर्न आपको बड़ी आसानी से दे सकता है, अगर हम इसको होल्ड कर लेते हैं 2018 की लास्ट तक। और अगर आप इसको बाई करना चाहते हैं दोस्तों, तो बाई करने के लिए आप देख सकते हैं मार्केट में जाकर बाइनेंस से आप इसको बाई कर सकते हैं, कुकॉइन से, HitBTC से और ओके एक्सचेंज से, और भी कई सारे एक्सचेंज के ऊपर ये अवेलेबल है। तो दोस्तों अगर आप इसको वाई करना चाहते हैं और होल्ड कर सकते हैं, तो आप इसको वाई कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा रिटर्न आपको पीपीटी कॉइन दे सकता है। दूसरे कॉइन की बात करें दोस्तों, तो दूसरे कॉइन में नाम आता है थेटा टोकन का, यानी कि थेटा कॉइन का। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका प्राइस काफ़ी अंडर वैल्यू है, यहाँ पर $0.14 के आसपास इसका प्राइस चल रहा है अभी। और आप इसकी सप्लाई देख सकते हैं, सप्लाई भी काफ़ी कम है। और साथ साथ में अगर आप इसकी रैंक की बात करें दोस्तों, तो 148 के ऊपर अभी रैंक कर रहा है, यानी कि हो सकता है कि आने वाले समय में टॉप 100 के अंदर भी ये आ जाए। और साथ साथ में अगर आप इसके चार्ट को देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी नया कॉइन है, लेकिन चार्ट अभी जो है सिमिलर चल रहा है। यहाँ पर आप स्टार्टिंग में देखेंगे तो स्टार्टिंग में इसका प्राइस था $0.15, और अभी जो प्राइस चल रहा है वो भी लगभग $0.15 के आसपास चल रहा है। तो दोस्तों अभी स्टार्टिंग फेज है, अगर हम इसको होल्ड कर लेते हैं तो ये भी काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है, अगर आप 2018 तक इसको होल्ड कर लेते हैं। इसको बाई करने के लिए दोस्तों मार्केट में जाकर देख सकते हैं आप, यहाँ पर देखेंगे तो होबी के ऊपर अवेलेबल है, get.io के ऊपर अवेलेबल है, और ओके एक्सचेंज और आईडेक्स के ऊपर भी ये अवेलेबल है, आप यहां से इसको बाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों ये कॉइन भी आपको 5 गुना से लेके 10 गुना या 20 गुना भी आपको रिटर्न दे सकता है, अगर आप 2018 तक इसको होल्ड कर लेते हैं। तीसरे कॉइन की बात करें दोस्तों, तो नाम आता है सब कॉइन का, यानी कि सबस्ट्रेटम का। दोस्तों इस कॉइन की भी वैल्यू आप देख सकते हैं काफी अंडर वैल्यू कॉइन है, और काफी कम रेट में अभी ट्रेड कर रहा है, यानी कि $0.5 के आसपास ट्रेड कर रहा है। लेकिन इसके अगर आप सप्लाई की बात करें तो इसकी भी सप्लाई काफी कम है, और साथ साथ में रैंक की बात करें दोस्तों, तो 113 के ऊपर रैंक कर रहा है, यानी कि टॉप 100 में बहुत जल्दी ये भी शामिल हो सकता है। इसके चार्ट की बात करें दोस्तों, तो चार्ट आप देख सकते हैं काफी ज्यादा ऊपर जाने के बाद काफी ज्यादा नीचे आ चुका है, यानी कि आप यहाँ पर हाई इसका देख सकते हैं, हाई जो है $3 टच कर चुका है, और अभी अगर आप देखें तो $0.5 पर जो है ट्रेड कर रहा है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर आप इसको होल्ड कर लेते हैं 2018 की लास्ट तक, तो 5 गुना से 10 गुना इवन 20 गुना भी आपको बड़ी आसानी से ये रिटर्न दे सकता है, अगर हम 2018 तक पेशेंट रखते हैं। और अगर आप बाई करने की बात करें तो मार्केट में जाके देख सकते हैं कौन कौन से एक्सचेंज पर अवेलेबल है।
आप इसको Binance से, KuCoin से, HitBTC से और OK Exchange से भी बाई कर सकते हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सारे एक्सचेंज के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है, तो दोस्तों काफी अच्छा रिटर्न आपको दे सकता है सबस्ट्रेटम यानी कि सब कॉइन। चौथे कॉइन में नाम आता है दोस्तों इथोस कॉइन का यानी कि इथोस टोकन का। आप इसका प्राइस देख सकते हैं $4 पर अभी ट्रेड कर रहा है। और अगर आप इसकी सप्लाई की बात करें तो इसकी सप्लाई भी बहुत कम है। और रैंक की बात करें दोस्तों तो 62 के ऊपर रैंक कर रहा है यानी कि टॉप 100 में ये शामिल है। और अगर आप इसके चार्ट को देखेंगे तो आप यहां पर देख पाएंगे दोस्तों कि $10 से भी ऊपर जा चुका था और अभी जो ट्रेड कर रहा है दोस्तों वो कर रहा है $4 पर। तो इसके बारे में एक्सपेक्ट कर सकते हैं दोस्तों 5-10x आपको रिटर्न दे सकता है अगर आप 2018 की लास्ट तक इसको होल्ड कर लेते हैं। अगर आप इसको बाई करने की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको Binance से बाई कर सकते हैं, कॉइन एक्सचेंज से, लाइव कॉइन से, HitBTC से और कोविनहुड से भी इसको बाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप इसको होल्ड कर लेंगे तो ये भी काफी अच्छा रिटर्न आपको दे सकता है। पांचवे और आखिरी कॉइन की बात करें दोस्तों तो नाम आता है सेस कॉइन का यानी कि SYS का। आप इसकी वैल्यू देख सकते हैं दोस्तों $0.63 के ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है। और अगर आप इसकी सप्लाई की बात करें तो इसकी सप्लाई भी काफी कम है। और अगर रैंक की बात करें दोस्तों तो 55 के ऊपर रैंक करता है यानी कि बहुत ही जल्दी टॉप 50 के अंदर ये शामिल हो सकता है। आप इसके चार्ट को यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों काफी ज्यादा अप डाउन इसका हुआ है, लेकिन हम इससे इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 10 गुना प्रॉफिट आपको दे सकता है अगर आप 2018 की लास्ट तक इसको होल्ड कर लेते हैं। दोस्तों मार्केट में जाके आप देख सकते हैं कि कौन कौन से एक्सचेंज के ऊपर ये अवेलेबल है, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे बिट्रेक, सबबिट, पोलोनिक्स, लाइवकॉन और योबिट यानी कि टॉप के एक्सचेंज के ऊपर भी ये अवेलेबल है। आप यहाँ से इसको बाई कर सकते हैं और होल्ड कर सकते हैं और काफी अच्छा रिटर्न ये दे सकता है हमारी स्टडी के मुताबिक 2018 की लास्ट तक। तो दोस्तों मैंने 5 कॉइन आपको बताए हैं। पहला कॉइन है PPT कॉइन यानी कि पॉपुलस कॉइन, दूसरा कॉइन है थेटा कॉइन यानी कि थेटा टोकन, तीसरा कॉइन है सबस्ट्रेटम यानी कि सब कॉइन, चौथा कॉइन है दोस्तों इथोस यानी कि इथोस टोकन और पांचवा कॉइन है SYS यानी कि सेस कॉइन। इन पांचों कॉइन को आप बाय करके होल्ड कर सकते हैं, काफी अच्छा रिटर्न आपको 2018 की लास्ट तक देखने को मिल सकता है। लेकिन एक बार फिर से सजेस्ट करूंगा कि आप उतना ही इन्वेस्टमेंट करें जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आपका लॉस भी हो जाए तो आपके कोई जरूरी काम उस पैसे के चलते रुक ना जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में किसी अच्छी न्यूज अपडेट या किसी अच्छे प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके इनसे रिलेटिव कुछ और क्वेश्चन, क्वेरीज या सजेशन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उनसे रिलेटिव भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। बस आप बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और यहाँ पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि ऑनलाइन में अर्निंग से रिलेटिव जो अपॉर्चुनिटी हम आपके लिए लेकर आते हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको आपकी ईमेल में मिलती रहे और आप किसी बड़ी अपॉर्चुनिटी अपडेट को मिस ना कर पाएं और ऑनलाइन में अर्निंग का फायदा उठा सकें। तो दोस्तों मिलेंगे फिर अगले वीडियो में किसी अच्छी न्यूज अपडेट या किसी अच्छे प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।